chapter? This is reading of chapter. Financial statement, trading trial balance. Chapter financial statement. लिखिए in this chapter we will be discussing कोई फेल लोच दी है एक रिवाइज करा रहे हैं फिर आगे क्वेश्चन कराएंगे. In this chapter we will be discussing. In this chapter we will be discussing final accounts. In this chapter we will be discussing final accounts which are prepared by sole proprietor. Which are prepared by sole proprietor. हाँ जी, किसके अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में? आपने जो पढ़े अब तक, जो अकाउंट्स कौन बनाता है? सोल प्रोप्राइटर. हाँ भाई, इधर आ जाओ जरा बोर्ड पे. तनिषा, सोल प्रोप्राइटर सबसे पहले क्या पास करता है? जर्नल एंट्री. हाँ जी, सबसे पहले क्या पास किया जाता है? जर्नल एंट्री. अरे जर्नल एंट्री के बाद क्या बनाए जाते हैं? अपने लेजर्स. लेजर्स के बाद क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस. यहाँ तक तो आप ऑलरेडी टर्म वन पे पढ़ चुके हो. आप जर्नल एंट्री करना सीख चुके हो, लेजर बनाना सीख चुके हो, ट्रायल बैलेंस सीख चुके हो. उसके बाद आता है कि ट्रायल बैलेंस की मदद से हमें क्या बनाना है? एक तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल और दूसरा हमें क्या बनानी है? अब हमें ट्रायल बैलेंस की मदद से ट्रायल बैलेंस की मदद से आ रहे थे. अब हमें कितनी चीजें बनानी है? तो एक का नाम क्या है? बोल सकते हैं क्या नाम है? और दूसरे का नाम क्या है? बैलेंस शीट. सब लोग एक्टिव हो जाओ थोड़ा सा. बताइए सबसे पहले क्या पास होती है? जनरल एंट्री के बाद लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग एंड पीएनएल ट्रेडिंग एंड पीएनएल के बाद बैलेंस. यहाँ तक टर्म वन में ऑलरेडी कवर हो चुका है. ये वाला जो चैप्टर है इन दोनों को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या बोलते हैं इन दोनों को? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कब बनाई जाती है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? कब बनाई जाती है? एट द एंड ऑफ द ईयर. फाइनेंशियल ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर. तो जब आपका ईयर खत्म होता है तो उस टाइम पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है. इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आते हैं फाइनल अकाउंट्स भी कहा जाता है. थोड़ा मेरे साथ साथ बोलिए क्या कहा जाता है इन्हें? क्या मतलब है फाइनल अकाउंट्स का? जो फाइनल रिजल्ट्स, जो कि फाइनल रिजल्ट्स है. कितने समय के रिजल्ट्स है? एक साल के. क्योंकि अकाउंट्स कितने साल का होता है? एक साल. आदित्य आंसर ही आ रहा. कौन कितने साल के अकाउंट्स होते हैं? एक साल के. तो ये एक साल का रिजल्ट है इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? फाइनल अकाउंट. ट्रेडिंग एंड पीएनएल से आपको अपनी कौन सी पोजीशन पता चलती है? प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन. बोलो आर्यन के साथ साथ बोलो भाई कौन सी पोजीशन पता चलती है? प्रॉफिटेबिलिटी. और बैलेंस शीट से क्या पता चलता है? फाइनल पोजीशन कौन सी होती है? हाँ जी, इससे हमें कौन सी पोजीशन पता चलती है? प्रॉफिटेबिलिटी. ये प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन क्या होती है? ये कितना प्रॉफिट हमने इस साल कमाया. ठीक है, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट से हमें ये पता चलता है. और बैलेंस शीट से बेटा जी हमें अपनी पता चलती है फाइनेंशियल पोजीशन. थोड़ा सा जाग के पढ़ना है. ठीक है, अब बताओ एज अ सोल प्रोप्राइटर सबसे पहले क्या बनाता है? जर्नल. बोलो साथ साथ क्या बनाता है? जर्नल एंट्री. उसके बाद लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग पीएनएल और ट्रेडिंग पीएनएल के बाद इसमें जो ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट है इनको क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये ईयर के एंड में बनती है, इनको फाइनल अकाउंट्स कहा जाता है. ट्रेडिंग एंड पीएनएल से हमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन पता चलती है और बैलेंस शीट से हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है. हमारा ये चैप्टर हर्ष इस चीज के बारे में है कि हमें इस चैप्टर में ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाना सीखना है. क्या क्या सीखना है? और बैलेंस शीट. ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल और बैलेंस शीट किसकी मदद से बनता है? ये बनता है ट्रायल बैलेंस की मदद से. किसकी मदद से बनता है? ट्रायल बैलेंस. तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन पे आपको अब तक क्या गिवन होता था? ट्रायल बैलेंस. तो आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होगा और आप ट्रायल बैलेंस की मदद से दो अकाउंट बनाएंगे. कौन कौन से आ रहे हैं? ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट. इतनी देर बताओ कौन कौन से दो अकाउंट बनाओ? ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट. अब ये बताओ कि क्या क्वेश्चन में सिर्फ ट्रायल बैलेंस ही गिवन होगा या और भी कुछ गिवन होगा? एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट कहाँ होती है? एट लास्ट मतलब ट्रायल बैलेंस के नीचे. तो ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको कुछ एडजस्टमेंट्स भी दे रखी होगी, आपको उनको भी ट्रीट करना है. और ट्रायल बैलेंस को तो
करता ही करता है और उसकी मदद से आपको ये दो अकाउंट बनाने सीखने हैं, एक तो ट्रेडिंग और पीएनएल और दूसरा बैंक। क्लियर है? तो ट्रायल बैलेंस विल बी गिवन टू यू, एक बार और बोलो हर्ष, विल बी गिवन, और हम उसकी मदद से क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग पीएनएल और बैंक। क्लियर है यहां तक? इसको फटाफट से नोट करिए कॉपी में, इस चेयर को जो जो हमने लिखा है, we will learn, लिख लीजिए, we will learn to prepare trading, थोड़ा बातें बंद अभी फिलहाल, trading and P&L as well as balance sheet, ये हमारा काम है, as well as balance sheet with the help of trial balance. ये दोनों चीजें हमारे किसकी मदद से बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस की मदद से, और हमने एक दो क्वेश्चंस में ये बनाया भी है, पर हम क्वेश्चन को अब थोड़ा सा टफ करने वाले हैं, इसलिए हम ये लिखवा रहे हैं। और ट्रायल बैलेंस के नीचे अब तक आपको एक ही एडजस्टमेंट गिवन होती थी, बट अब आपको और बहुत सारी एडजस्टमेंट मिलेंगी। हो गया? इसके बाद हेडिंग डालो ट्रायल बैलेंस, विजिबल है देखते। एक बार और सुन लीजिएगा क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। हाँ अरे हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, ट्रायल बैलेंस, तो एक बार फटाफट से बताओ, हमें क्वेश्चन पे ट्रायल बैलेंस दे रखा होगा, ऐसे बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस एज एट 31st बार जो भी ईयर है, क्या फॉर्मेट होता है ट्रायल बैलेंस का, पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, क्या फॉर्मेट होता है ट्रायल बैलेंस का, पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट। हमें इस ट्रायल बैलेंस से हर्ष कितनी चीजें बनानी होती है, दो, कौन कौन सी दो, एक तो हमें बनाना है ट्रेडिंग एंड P&L, पूरा बोलो, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, आगे बोलो, अरे इसके नीचे बोलो, हो गए पटाके, चलो ट्रेडिंग एंड P&L ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, कितनी बार बोलोगे बताओ, क्या ऐसे लिख लो ड्यूरिंग द ईयर, जैसे मान लो ये 2021 है तो ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 अकॉर्डिंग टू ट्रायल बैलेंस, अगर वो 31 मार्च 21 है तो यहाँ आ जाएगा 2020-21। क्लियर है आर्य? अगला और क्या बताना है आर्य मुझे, बैलेंस शीट के नीचे क्या लिखते हैं, एज एट, क्या लिखते हैं बैलेंस शीट के नीचे, वही डेट जो ट्रायल बैलेंस की है, क्या है, मार्च 2020। क्लियर है? ये सब चीजें सीख लो। ट्रेडिंग एंड पीएनएल का फॉर्मेट क्या होता है, जल्दी पर्टिकुलर्स रुपीज, बोलो बोलो, और इधर भी क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बोला जा रहा है, लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, वेरी गुड, लायबिलिटीज रुपीज और एसेट्स रुपीज। अब आ रहा है, एक बार और बोलिए, हमें क्वेश्चन पे हर्ष क्या गिवन होगा, ट्रायल बैलेंस की मदद से आदित्य हम क्या क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड पीएनएल और दूसरा बच्ची का बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल का फॉर्मेट बोला वन, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बोलो, लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। ट्रेडिंग एंड पीएनएल के नीचे क्या लिखा जाता है, ड्यूरिंग द ईयर, और बैलेंस शीट के नीचे क्या लिखा जाता है, एज एट, इसके भी मार्क्स होते हैं तो ये गलत नहीं करता है।
अभी हमें क्या करना है कि ट्रायल बैलेंस में हमें जितनी भी चीजें दे रखी होगी यहाँ पर उन सबको हमें इधर और इधर पुट करना है। तो हमें यहाँ पे जो भी दे रखा होगा वो चार में से एक होगा, या तो वो एक्सपेंस होगा, अब आप ऐसा सर बोलो, या तो क्या होगा expense. या फिर क्या होगा income. या फिर liability. asset और या फिर liability. दोबारा बोलो एक बार, या तो क्या होगा एक्सपेंस, या फिर income. या फिर asset. या फिर liability. चलो आगे शुरू करो, अगर यहाँ रेंट दे रखा है तो वो क्या है expense. तो वो एक्सपेंस है, अगर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट दे रखा है तो लाइबिलिटी है, श्योर। अगर यहाँ पे परचेज दे रखा है तो एक्सपेंस, अगर सेल दे रखा है तो इनकम। तो हम धीरे धीरे ये भी सीख जाएंगे कि क्या एक्सपेंस होता है, क्या इनकम, क्या एसेट, क्या लाइबिलिटी। पर यहाँ पे हमें जो भी दे रखा हो, जैसे मान लो यहाँ पे अगर क्रेडिटर्स दी है, क्या है ये, थोड़ा लाउड बोलो, क्या है ये लाइबिलिटी। अगर हर्ष यहाँ पे मशीन दी है कन्फर्म, तो जो भी आपको ट्रायल बैलेंस पे दिया होगा या तो वो एक्सपेंस होगा, बोलो या तो वो expense, या फिर income, या फिर asset, या फिर liability. अगर वो एक्सपेंस है, अगर वो expense. तो वो ट्रेडिंग एंड पीएनएल की कौन सी साइड जाएगा, डेबिट साइड, ये डेबिट साइड होती है, और आर एन वो कौन सी साइड होती है, क्रेडिट। तो अगर वो एक्सपेंस है आदित्य तो वो डेबिट साइड जाएगा, अगर वो क्या है एक्सपेंस, और अगर इनकम है तो थोड़ा सा सब लोग बोलेंगे हर्ष, अगर एक्सपेंस है तो, और अगर इनकम है तो, क्लियर। और अगर लायबिलिटी है तो इधर आ जाएगा, और एसेट है तो, क्लियर है, अगर लायबिलिटी है तो इधर, एसेट है तो इधर, एक्सपेंस है तो इधर, इनकम है तो इधर। और हमारे पास जगह भी हर्ष टोटल कितनी है, चार, चार ही जगह है, कितनी जगह हमारे पास, तो अगर एक्सपेंस है तो कहाँ आएगा, और अगर इनकम है तो, अरे दोबारा बोलो, अगर एक्सपेंस है तो, अगर इनकम है तो, अगर लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट, एसेट है तो भी बैलेंस शीट, ठीक है। इसमें जब आप चीजों को अपनी अपनी जगह पर पुट करेंगे तो इसके अंदर एक एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि इस अकाउंट का नाम क्या है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, क्या नाम है इस अकाउंट का, ट्रेडिंग एंड पीएनएल। तो ये कितने हिस्सों में बनता है, दो हिस्सों में, ये रील वाले बच्चे हैं, चलो। हाँ भाई, तो अगर एक्सपेंस है अमन तो किस तरफ आएगा, डेबिट साइड, अगर इनकम है तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटी है तो इधर, एसेट है तो इधर। चलो लेट्स टेक बी क्विक, जो ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल है हर्ष, ये कितने पार्ट्स में बनता है, दो। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है आदित्य वो क्या है, और नीचे वाला पार्ट क्या है, पीएनएल। ऐसा मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक्सपेंस आरएन इधर आते हैं और इनकम इधर आती है, लेकिन हमारा जो ट्रेडिंग का फॉर्मेट है वो फिक्स्ड है। मतलब ट्रेडिंग का फॉर्मेट क्या होता है, टू में क्या आएगा, और क्या आएगा, टू परचेज, टू वेजेस, इधर देखो टू पावर एंड फ्यूल, टू पावर एंड फ्यूल, टू कैरिज एडवर्ड्स, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, अब मुझे वो तो हमारा निकालेंगे भाई। अब ये बताओ ध्यान से, जरूर ये हो गया इधर, अगर एक दो तीन चार पाँच छ, इन छह को छोड़ के तरीका अगर कोई और एक्सपेंस है तो वो पीएनएल में नीचे आएगा, मतलब ऊपर तो यही आएगा। तो हमें इसको डॉटेड लाइन से ट्रीट करना है, ये जो डॉटेड लाइन का ऊपर वाला हिस्सा है ये क्या है हर्ष, ट्रेडिंग, और जो डॉटेड लाइन के नीचे वाला हिस्सा है पीएनएल। दोनों में ध्यान से सुनो, चाहे ट्रेडिंग हो चाहे पीएनएल हो, दोनों में डेबिट साइड पर क्या आता है एक्सपेंस, और क्रेडिट साइड पर क्या आता है इनकम। पर ट्रेडिंग का जो फॉर्मेट है वो फिक्स्ड है, वो इसलिए फिक्स्ड है कि ये वाले छह एक्सपेंस तो ट्रेडिंग में ही आएंगे, अगर इसके अलावा कोई एक्सपेंस बच गया तो वो कहा जाएगा अरे नीचे पीएनएल। सेम इसी तरीके से ट्रेडिंग की जो इनकम है वो आदित्य फिक्स है, वहां पे दो ही इनकम आती है, एक तो सेल और दूसरी क्लोजिंग स्टॉक। अगर इसके अलावा कोई इनकम है तो वो नीचे पीएनएल पे आ जाएगी। यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है, दोबारा सुनिए, आपको ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट हर्ष किस चीज की मदद से बनाना है, ट्रायल बैलेंस में से आपको बचेगा कितनी चीजें मिलेगी, चार, या तो आर्यन एक्सपेंस, या फिर income, या फिर liability, या फिर liability, दोबारा बोलो, या फिर एक्सपेंस, लाइन से चलो, सबसे पहले एक्सपेंस, एक्सपेंस, इनकम, लाइबिलिटी, एसेट्स, दोबारा बोलो, या तो क्या मिलेगा एक्सपेंस, या फिर लाइबिलिटी, या फिर एसेट्स। हर्ष एक्सपेंस किधर जाएंगे,
ट्रेडिंग और पी एंड एल की डेबिट साइड पर। एक कब कहा जाएगी? ट्रेडिंग, पूरा बोलो, ट्रेडिंग एट पी एंड एल की क्रेडिट साइड। थोड़ा बोला करो, आप आए हो ना बर्थडे तो बोलो, बताओ ये एक्सपेंसेस कहा जाते हैं? कल तक बोल ले रहे, एक्सपेंसेस कहा जाते हैं? ट्रेडिंग एट पी एंड एल की डेबिट साइड पर। इनकम कहा जाती है? ट्रेडिंग एट पी एंड एल की क्रेडिट साइड पर। लाइबिलिटी कहा जाती है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी कॉलम पे। और एसेट्स कहा जाते हैं? बैलेंस शीट के एसेट कॉलम, ऐसे बोलते हैं इसको। दोबारा बोलिए, ट्रायल बैलेंस से हमें कितने चीजें मिलेगी? चार। एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटीज, एसेट्स। हर्ष आप बोलेंगे, एक्सपेंसेस कहा जाएगी? डेबिट साइड। शाबाश। इनकम कहा जाएगी? बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा? लाइबिलिटीज और एसेट्स। बट ट्रेडिंग और पी एंड एल दो हिस्से है जिसमें ट्रेडिंग का फॉर्मेट क्या है? फिक्स। अगर कोई और एक्सपेंस इन छह के अलावा आएगा तो वो नीचे पी एंड एल में जाएगा। अगर कोई और इनकम इन दोनों के अलावा आएगी हमें तो वो भी नीचे पी एंड एल में जाएगी। ट्रेडिंग की कैलकुलेशन अलग होगी, बोलो, ट्रेडिंग की कैलकुलेशन अलग होगी, पी एंड एल की कैलकुलेशन और बैलेंस शीट की अलग होगी। क्लियर है? पर ट्रेडिंग और पी एंड एल बनते एक ही साथ है, और इस अकाउंट का नाम क्या होता है? देते हैं ट्रेडिंग एंड पी। इस तरीके से हमें ट्रायल बैलेंस की वैल्यू को पुट करना है। ये रिवीजन इसलिए भी था कि जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया है तब से लेके आज तक कभी कोई एब्सेंट होता है, कभी कोई एब्सेंट होता है, तो हमने ये पढ़ाया है कि ट्रायल बैलेंस से चीजें ट्रेडिंग और पीएनएल में ऐसे जाती है और बैलेंस शीट में ऐसे जाती है। क्लियर है यहाँ तक? इसको कॉपी में एक जगह नोट करके रख लीजिए, बी क्विक, और फिर हेडिंग डालिए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं और कल से हम एडजस्टमेंट शुरू करेंगे। हाँ जी, एक और करना है आज एडजस्टमेंट वाला। एक ही तो एडजस्टमेंट करी अभी, तो एक एक क्वेश्चन पे 10-10 एडजस्टमेंट आएगी बाबू। तो क्वेश्चन शुरू हुआ है अभी, एक एक क्वेश्चन में 5-5, 6-6 एडजस्टमेंट आएगी। अभी तो आज तक आपने एक ही एडजस्टमेंट करी है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। आज भी हो सकता है हम वही करें, पर अगली क्लास में हम और नई नई एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, और हमें ट्रायल बैलेंस में भी हम और अलग अलग यूनिक प्रकार की चीजें मिलेंगी, अतरंगी, जो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि ये क्या है। ये मुश्किल हो जाना आगे का सफर आगे का सफर बड़ा ही कठिन है, 12वीं तक पहुंचने का, और इसे पढ़ते पढ़ते बिल ऑफ एक्सचेंज मत भूल जाना। पीछे वापसी जा सकते हैं, शुरू से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे फेल होके कंटिन्यू, फिर से फेल होके फिर से फिर ऐसे, इससे अच्छा तो आदमी आगे चला जाए तो थोड़ा सा ही रह गया। दी लाइफ खत्म हो जाएगी ना। हाँ, कोरोना दोबारा आ गया तो खत्म ही समझो। ये आएगा उनकी पेपर ऊपर काई हो गए। तुम लोग ये मत सोचो, एक तो कि पेपर ऊपर काई होंगे, होएंगे पेपर तो हो दीदी, पिछला साल अच्छा था तभी तो तुम्हें ग्रफ आए। मैं पढ़ाई कर रही हूं पेपर, और बड़ी है अच्छा पढ़ाई करनी शुरू भी वैसे ही कैंसिल कितने होते हैं? 87 होते हैं पास होने के लिए। 28 थे कितने? बाकी में 40 से। अरे नहीं, यह साइंस में दे 17 बिचारे के। हां, मैथ्स में दे, साइंस में पास। तो फिर तुमने वो नहीं करा प्रचार? मैं भी प्री बोर्ड थे। अच्छा, तुम्हारा कुछ करा ये प्री वाले के लिए वाल दिए तुम्हारे? दीदी मैम के पास जाते थे, वही प्रचार करके भेज देती है। वाह। पर इस साल पेपर होंगे तो जनता से अनुरोध है कि कृपया इस भ्रम में ना पड़े और चुपचाप भी पढ़ाई। ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं, वीडियो रिकॉर्ड होके ना यूट्यूब पे भी डलेगी। सोचो सच में केजरीवाल जी तक पहुंच गई तुम तो फेमस हो जाओगे। हो गया भाई? भाई और पेपर
कि आप बोलते हैं मैं गवर्नमेंट के सबसे ऊपर जो भी गवर्नमेंट होती है उनसे मेरा हाथ जोड़ के नहीं हुआ है जो भी है तुम्हारा वोट तो इस बार आम आदमी पार्टी को ही है फिर है मतलब उनकी वजह से ही प्रमोशन हुआ था तो मतलब पेपर पोस्टपोन हो गए डिले हो गए अगर इस बार नहीं आ रहे फिर तो जब भी आर्यन वोट देना शुरू करेगा तो आर्यन का वोट जाता है आम आदमी पार्टी को झाड़ू को आम आदमी का अधिकार झाड़ू तो है उनका साइन कुछ गलत बात होती है ये क्या बात थी स्वीट 16 बोलते हैं 16 इयर्स के बच्चों को बताओ यार हां भाई स्वीट 16 जैसे तनीषा 16 साल की है सर गैरी जी ने 15 का बोल लो लेकिन स्वीट 16 थी हां भाई साहब हेलो मिस्टर ये भी 16 है ये फोन अंदर है साहब सर मेरा चीज में केजरीवाल जी से चल रहे पेपर कैंसिल कराने की तैयारी चलो भाई आ जाओ लिखिए क्वेश्चन रुक जाओ रुक जाओ बताओ ना 17 में 2004 सबसे छोटी यहाँ पे सुपीरियर हूँ मैं यहाँ पर सबके काम चलिए जी हेडिंग डालेंगे ट्रायल बैलेंस एज एट होमवर्क है ना दीदी होमवर्क क्लास में तो 15 मिनट लेट आते हैं होमवर्क करेंगे ट्रायल बैलेंस एज एट दीदी ये पांच फूड वाले से सॉल्यूशन लेके आते हैं ट्रायल बैलेंस एज एट 31st March 2021 Particulars, debit, credit. फटाफट जरा क्वेश्चन लिखो दीदी दी हमें भी एक पर्टिकुलर नहीं बनाना है राज सब बना ले वाला क्वेश्चन में लिखेंगे पहले तभी तो क्वेश्चन इधर लिखोगे क्वेश्चन है पर्टिकुलर्स में लिखिए भाई ये क्वेश्चन है कैपिटल परचेज रेंट वेजेस सैलरी इंटरेस्ट रिसीव माय सरेंडर गया सेल्स डिस्टर्ब आ रहे सेल्स कैपिटल परचेज रेंट वेजेस सैलरी इंटरेस्ट रिसीव सेल्स मशीन कमीशन रिसीव्ड क्रेडिटर्स मशीन डेटर्स मशीनरी पावर एंड फ्यूल टैक्सेस कैपिटल हो गया कैपिटल की क्रेडिट साइड पे लिखिए 2,50,000 परचेज लिखिए डेबिट में 60,000 रेंट लिखिए 10,000 वेजेस लिखिए 15,000 सैलरीज लिखिए 25,000 इंटरेस्ट रिसीव्ड आएगा क्रेडिट ऐसे लिखते हैं क्वेश्चन को डैश 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 तभी मैं बोर्ड पे कर रही हूँ इंटरेस्ट रिसीव्ड 10,000 सेल्स आएगी क्रेडिट में 2,00,000 ओह सॉरी हाँ ठीक है इट्स ओके सेल्स 2,00,000 कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट में 40,000 क्रेडिटर्स लिखिए 6,000 कमीशन रिसीव्ड 4,000
अरे बशीर लिखिए दीदी के सर हां जी दीदी क्या इंटरेस्ट क्रेडिट है 2,20,000 बताओ क्या प्रॉब्लम हुई उसके बाद से फिर कहां जाएगा उसके बाद हाय वेजेस सर्विस क्या प्रॉब्लम क्या है क्या गड़बड़ सा हो गई सर हां तो सही कर लो उसको कर यार पावर एंड फ्यूल में लिखिए पावर एंड फ्यूल में लिखिए 18,000 टैक्सेस में लिखिए 4,000 डेटर्स के अबाउट में आपको बता रही हूँ गिव मी 1 मिनट दीदी 3,60,000 एक से इधर का एक लाख अठारह हजार के डेटर्स और अमर प्लीज और बोथ साइड टोटल लिखे बेटा जी 4,70,000 दीदी 11,00,000 1,18,000 के डेटर्स है एडजस्टमेंट में लिखिए क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 15,000 क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 15,000 ठीक है जी ये हमें क्वेश्चन पे अमर क्या दे रखा है ट्रायल बैलेंस और हर्ष इसकी मदद से हम लोग क्या बनाएंगे ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट आप ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं तो आप बैलेंस शीट मैच करके दिखाइए फटाफट जिससे कि कल हम और आगे बढ़े और जिन बच्चों ने नहीं किया है हमने तो शुरू से ही शुरू करा है आज तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी ये एक रीकैप है क्योंकि आगे चैप्टर काफी टफ हो जाएगा तो आज हमने आपको सब बताया आप अभी आज एक ही कर लिए फिलहाल अभी एक और आएगी आप इसके साथ साथ ट्रेडिंग एंड पीएनएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे तनिष्क स्क्रीन पे विजिबल है ना सारा सबसे ऊपर आ रहे ट्रेडिंग एंड पीएनएल इसके आगे क्या लिखते हैं ड्यूरिंग द ईयर शाबाश तो वहां यही हां ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 सॉरी पर्टिकुलर्स रुपीस पर्टिकुलर रुपीस तभी हम बार बार बता रहे हैं कि गलती मत करो पर्टिकुलर्स रुपीस एक डॉटेड लाइन जो है हर्ष वो हम अपनी प्रैक्टिस के लिए सिर्फ बनाएंगे जब आप परफेक्ट हो जाओगे तो वो डॉटेड लाइन बनाने की जरूरत नहीं है डॉटेड लाइन सिर्फ आर्यन इसके लिए बनाई जा रही है ये दिखाने के लिए कि ऊपर किसका फॉर्मेट है ट्रेडिंग का और नीचे किसका फॉर्मेट है पीएनएल का ट्रेडिंग का फॉर्मेट आपको पता ही है सबसे ऊपर आता है टू ओपनिंग स्टॉक इतना पहले तैयार कर लो क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये काम पहले ही कर लो फिर क्वेश्चन पढ़ो टू परचेज टू वेजेस टू पावर एंड फ्यूल ये सब तो यहाँ आना ही है टू कैरेज इनवर्ट्स टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बाय में क्या क्या आता है अमर बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक क्या जी और नीचे पीएनएल का फॉर्मेट हो गया जी पूछ के दी हां जी ये आपने डैश पे नीचे नहीं इधर क्या चीज नहीं करी मेरे डैश को तो सब में डैश को नीचे लो बाबू डैश 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 और बताओ और कोई इच्छा हो चल बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 बैलेंस शीट का फॉर्मेट आ रहा है लायबिलिटीज रुपीस एसेट रुपीस बैलेंस शीट एज एट अच्छा धन्यवाद आपका बहुत अब इसको फटाफट से वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करेंगे ये डब्बा बंद हो जाएगा लेना पड़ेगा ले लो उसका फोन बनना है हाँ चलेगा
अरे भाई कर लिया मैंने, किसी और के पास जी का फोन है। अमन मैच करके दिखा दोगे 5-6 मिनट में? ये आप से हमको बोलना है, हम आपसे नहीं है, करेंगे आपको। तुमसे मुझे 2 मिनट वाली उम्मीद है, उससे 5 वाली। वैसे आपको मैच करना चाहिए था ना, फिर गैंग ना मोड़ डाउन करता है। अब आने 2 मिनट में करेगा। हाँ नहीं मोड़ डाउन करता है। और अब करने के लिए क्या करना है? क्या बात करने जाएगा? कोई मोड़ डाउन करेगा? चल चलने वाले दिया नहीं सेल डांस करते हैं। मॉरल अप हो गया या डाउन दिया? अभी ये तो अप हो गया, मैं टेक में करूंगा। कल से इस चैप्टर को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, एडजस्टमेंट्स को बढ़ाकर। जितनी एडजस्टमेंट्स आ रही बढ़ती रहेगी, क्वेश्चन उतना मुश्किल होता रहेगा। आपके पेपर में बेटा जी जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर कम से कम 5 से 6 एडजस्टमेंट्स होगी, और हमें टोटल 10 से 15 एडजस्टमेंट्स पढ़नी है। 10 से 15 पढ़ेंगे उसमें से, हाँ एक क्वेश्चन पे, और उसमें से 5 से 6 पेपर में आ जाए। दी ओनली स्टॉप पे एकदम कहाँ? जीरो जीरो जो नहीं दे रखा नहीं दे रखा। अब किसका मॉरल डाउन हो गया? कैपिटल कहाँ जाएगी यार? मुझे नहीं करना है। जब उसने कह दिया कि सब अपने ये अपनी माफी मांग रही हूं, क्या कर सकता भाई। हां भाई ले, इसने बोलना वो मार रहा है। करो करो डंडे ले आओ, मारते डंडे ले, उसकी वाली से पहुंचो डंडा लाओ। जाओ मारो अमन को। हे प्रभु, ये तो खा रहे सामने वाले। अभी दानी गाल कर रहे हैं, आदत करके दिखाएगा पूरा कुछ। अरे तू बोर्ड पे कर दो, मैं तो कह रही हूं ये बोर्ड पे करना है क्या? हां ये बोर्ड पे रिपोर्टर ना मैसअप हो जाएगा। चल कर सब मेरा कॉफी में वाली बड़ी बात है। नहीं भाई बड़ी छोटी बात है, को भाई हो क्या बड़ी छोटी, क्वेश्चन करो। वीडियो क्या है जो इनका होती है उसमें जो पी पी एन एल उसकी बाय साइड पे जाती है, जैसे इंटरेस्ट इज बाय साइड। चल रही है सही में? क्या क्वालिटी बहुत सही है, बहुत दिन पे ही वाली बोल रहा हूँ। एक बार आप लोग अपना करते रहिए, अगर आपको मेरी जरूरत है तो, बट हम एक बार उन्हें बता देते हैं जिन्हें डाउट है। कमीशन रिसीव कैपिटल जो है वो कहाँ जाएगा तनीषा? कमीशन रिसीव किधर आएगा? हाँ जी बिल्कुल आएगा, लायबिलिटी में। हाँ भाई, तो सबसे पहली चीज है लायबिलिटी में, हो गया। सबसे पहली चीज है बेटा जी कैपिटल। कैपिटल हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटी। थोड़ा हम अपना फॉर्मेट सीधा कर ले। पहले चेक करवाना है।
नहीं करो आज आज रिस्क लेते लाइबिलिटीज हाँ भाई आर्यन कैपिटल कहाँ जाएगी बेटा जी लाइबिलिटी और कैपिटल एक लौता ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू आप अंदर रखेंगे क्योंकि हमें इसमें प्रॉफिट जोड़ना है तो कैपिटल कितना आ जाएगा हाँ जी आदित्य परचेज ऑलरेडी ट्रेडिंग के फॉर्मेट में है तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कितने की परचेज की मैंने 60,000 उसके बाद है रेंट रेंट हमारा क्या हुआ पर एक्सपेंस इनकम एसेट या लायबिलिटी रेंट दीदी हमारा एक्सपेंस है एक्सपेंस है ट्रेडिंग का एक्सपेंस है या पीएनएल में आएगा क्यों पीएनएल में आएगा अरन क्योंकि ट्रेडिंग में उसके लिए कोई जगह नहीं है ये 6 में है नहीं कहीं तो अब यहाँ पर उसको लिखेंगे टू रेंट कितना रेंट है हमारे पास 10,000 अगला है वेजेस वेजेस में हमारा एक्सपेंस होता है बट उसके लिए ट्रेडिंग में जगह है तो टू वेजेस में आ जाएगा 15,000 अगला है सैलरी फिर से सैलरी अक्षर हमारा क्या है एक्सपेंस पर ट्रेडिंग में नहीं है तो नीचे पीएनएल में आएगा खर्चा अगर ऊपर ट्रेडिंग में है तो ऊपर आएगा नहीं तो नीचे तो आएगा ही आएगा सैलरी 25,000 रुपए अगला है इंटरेस्ट रिसीव इसको आने ना बताओ इंटरेस्ट रिसीव बाय नहीं ये बताओ एक्सपेंस है इनकम है एसेट है लायबिलिटी इनकम तो इनकम कौन सी साइड आती है बाय साइड ट्रेडिंग में तो है नहीं उसकी जगह तो वो पीएनएल में आ जाएगी और थोड़ी नीचे क्योंकि उधर का आंसर भी लाना है बाय इंटरेस्ट रिसीव कितना है 10,000 सेल्स ऑलरेडी फॉर्मेट में है धीरे धीरे आपको फॉर्मेट याद हो जाएगा तो आपका काम और आसान हो जाएगा कमीशन रिसीव्ड भी हमारी क्या है बेटा जी इनकम वो भी इधर नीचे आएगी क्योंकि उसकी भी जगह ऊपर इनकम में कहीं नहीं है वो ऊपर के फॉर्मेट का पार्ट नहीं है ऊपर आदित्य सिर्फ वो ही आएगा जो ऊपर के फॉर्मेट का पार्ट है जो ऊपर फॉर्मेट का पार्ट नहीं है वो नीचे आएगा सिंपल सी बात है क्रेडिटर्स क्या होते हैं अक्षर लाइबिलिटी तो क्रेडिटर्स को इधर थोड़ी जगह छोड़ दो अभी कैपिटल में प्लस माइनस होगा 6,000 अगला है मशीन मशीन मेरा एसेट है कितने का एसेट है 2,20,000 का और उसके बाद है पावर एंड फ्यूल की भी जगह है ऑलरेडी ट्रेडिंग में 18,000 टैक्सेस भी हमारा एक्सपेंस है अरे टैक्स क्या होता है एक्सपेंस इनकम एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस तो टैक्सेस भी एक्सपेंस है अब ट्रेडिंग में उसकी जगह नहीं है तो वो भी नीचे आ जाएंगे टू टैक्सेस चार और डेटर्स हमारे क्या होते हैं आर एसेट तो डेटर्स आ जाएंगे एसेट कितने के हैं भाई 1,18,000 हर्ष एडजस्टमेंट क्या है आदित्य एडजस्टमेंट जो है अभी तक हर चीज कितनी जगह गई एक जगह पर क्योंकि ये एडजस्टमेंट है तो ये कितनी जगह जाएगी दो जगह मिनिमम दो जगह हो सकता है कई बार ये दो से ज्यादा भी जाए तो फिलहाल क्लोजिंग स्टॉक दो जगह कौन कौन सी जाएगा माध्यम एक तो वो ट्रेडिंग के फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो यहाँ चला जाएगा 15,000 और एक हमारे एसेट में जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 15,000 जब आप रोज इसका एक दो क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे आप परफेक्ट हो जाओगे और कुछ का